पहुंचे रेलवे के जीएम, साथ ही किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। जब से रेलवे जीएम के गुना दौरे की खबर लगी थी, तभी से रेल प्रशासन गुना स्टेशन को चमकाने में लगा था। वहीं बेंच भी नई लगा दी गई थी, पार्क विकसित किया गया था, पटरियों के साइड में पुताई भी कर दी गई थी, नल ठीक कर दिए गए थे। ये सब रेलवे के जीएम को दिखाने के लिए हो रहा था। आज जैसे ही रेलवे के जीएम गुना पहुंचे तो उन्हें रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं ठीक ठाक दिखी। अपने यहाँ पे लेडीज ये हमारा वार्षिक निरीक्षण है जो कि हम हर साल एक मंडल का करते, तो इस बार भोपाल मंडल का जो हमने सेक्शन लिया है गुना से लेके पक्षी तक का लिया है, तो हमने गुना से शुरुआत की उस इंस्पेक्शन की। सर, इस लंबे दौरे के कारण किसी एक प्रकार की कोई कार्रवाई? इसमें काफ़ी अच्छे काम मुझे देखने को मिले हैं। जो मंडल के सारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मेहनत से यहाँ पे बहुत सारे काम मैंने देखा करे हैं। खास करके जो है पार्क डेवलप हुआ है, उसके बाद में इसकी सड़क को अच्छा किया गया है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेशन का जो है कॉन्कोर्स को बहुत बढ़िया बनाया गया है, और रेलवे से संबंधित जो है कई चीज़ें जो मैं जो कि हमारे जब हमारी दुर्घटना होती है तो हमारा जो है मेडिकल रेंज आता है, उसका भी मैंने निरीक्षण किया। सर, ये बताया तो रूम का निरीक्षण किया। यहाँ पे हमारे जो स्टाफ है, ड्राइवर, गार्ड और लोको पायलट्स वगैरह, वो सब कैसे रहते हैं, उनको क्या सुविधा दी गई है? बिकॉज आप जानते हैं भारतीय रेल चलाने में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अधिकारियों के अलावा सबसे ज़्यादा हमारे स्टाफ का है, जो कि दिन रात अपने लगकर इसकी से आप लोगों को, यात्रियों को इतनी अच्छे से अच्छी व्यवस्था और सुरक्षा मुहैया कराता है। सर, ये गुना की एक जनता की काफ़ी बड़ी समस्या है। सर, रात को 3:10 के बाद से सर बीना के लिए कोई गाड़ी नहीं है। यदि कोई गाड़ी है तो लगभग 9 या 9:15 के बीच में है, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है सर। काफ़ी पैसेंजर परेशान होते हैं। देखिए, अभी आपको पता है कि गुना के आसपास बहुत काम चल रहे हैं। गुना से हमारा जो है बीना का डबलिंग का काम चल रहा है, रूठिया से लेके मक्सी तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, गुना ग्वालियर का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, उसके बाद रूठिया से कोटा का डबलिंग का काम चल रहा है। तो ये सारे कार्य आपको आने वाले दिनों में, अगले एक सालों में आप देखेंगे कार्य खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। सर, गुना की जनता के लिए कोई सौगात नई ट्रेन के लिए? सौगात तो अभी हमने जो है मैं कुछ कह नहीं सकूँगा अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन थी उसका संचालन जो है वो नियमित नहीं था, हमने उसको नियमित कराया है। हम कोशिश करेंगे कि वो ट्रेन जो बताया गया यहाँ पर जो है बहुत उससे लोग आते जाते हैं, वो संचालित अच्छी तरीके से।